श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे में बीती देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकला माँ दुर्गा विसर्जन जुलूस, हजारों लोग रहे मौजूद। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे से है, जहां पर 9 दिवसीय नवरात्र में हुए दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन किया गया और इसके बाद कल शाम विसर्जन जुलूस निकाला गया। कई जगहों पर दुर्गा पूजा चल रही थी, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी रखा गया था। इसी प्रकार से पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के दिशा निर्देश पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इकौना में विसर्जन जुलूस निकला, जो पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए रात लगभग 1 बजे जाकर खत्म हुआ। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग बीती रात काफ़ी उत्साहित दिखे। डीजे की धुनों पर थिरकते, एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हुए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए। इकौना कस्बे की ये शोभा यात्रा है, जहाँ पर ये जुलूस निकाला गया। विभिन्न प्रकार से सजी झांकियों में दुर्गा माता की अलौकिक मूर्तियाँ इकौना कस्बे के अलग अलग स्थानों से होकर गुजरी, जहाँ पर जगह जगह लोगों ने जुलूस को रोककर माँ दुर्गा की आरती भी उतारी। अलग अलग मोहल्लों से निकाले गए मूर्ति विसर्जन जुलूस में डीजे बैंड बाजों के साथ श्रद्धालु नाचते गाते गुलाल उड़ाते हुए नजर आए, साथ ही जमकर जय माता दी शेरा वाली के नारे लगते हुए जुलूस आगे बढ़ता नजर आया। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आधी रात तक ये जुलूस शहर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण करता रहा। इस दौरान जगह जगह पर पुलिसकर्मी व पीएससी के जवान तैनात दिखाई पड़े। इकौना कस्बे का यह पूरा मामला है, जहां पर आधी रात तक विसर्जन जुलूस चला। जगह जगह लोग काफ़ी उत्साह में दिखाई पड़े। श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे की ये तस्वीरें, जहां पर विभिन्न मोहल्लों से जुलूस में शामिल होने लोग पहुंचे और अपने अपने मोहल्लों के मूर्तियों के साथ लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए।